हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे जो कि जर्नल हिंदी का है, केवीएस एग्जाम में पूछा गया था। 21 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है ये, तो आप इसके आंसर मैच कर सकते हो। और जो आंसर आंसर की में गलत है वो भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि अभी रिवाइज्ड आंसर की आएगा तो उसके अकॉर्डिंग जो गलत रहा मतलब जो रॉन्ग क्वेश्चन आए हैं ना, क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं वो उसमें मॉडिफिकेशन हो सकता है, तो बाद में आपको रिवाइज जो आंसर की है उसमें करेक्ट आंसर मिल सकता है। तो लेट्स गेट स्टार्ट। तो पहला तो आपको पता है इसी जर्नल हिंदी में एक पैराग्राफ आया था, और पैराग्राफ में देखिए इसमें स्त्रियों की समस्या के बारे में बताया गया था कि अगर उनको शिक्षा दी जाए तो वो अपनी समस्याओं को खुद सुलझा सकती हैं, वो सॉल्व कर सकती हैं, और उनमें मतलब उनको उनकी स्थिति में छोड़ दीजिए, बस उनको शिक्षा दे दीजिए और उनको उसी स्थिति में छोड़ दीजिए, वो खुद अपनी समस्या को सुलझा सकती हैं। तो ये बात करी गई है इसमें। तो गद्यांश में किन की समस्याओं का उल्लेख किया गया, तो जो प्रॉब्लम्स है जिनका उल्लेख किया गया समस्याओं का वो स्त्रियों की समस्या है, तो बहुत इजी था ये, ठीक है, आप एक नंबर ले आ सकते थे इसमें। नेक्स्ट बात करेंगे, जो पैराग्राफ वाले क्वेश्चन थे हिंदी के तो वो आसान थे, लेकिन इंग्लिश का जो था ना वो बहुत टफ था, इंग्लिश का जो पैराग्राफ था बहुत लेंदी हो जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा को जादू भरा क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि शिक्षा समस्याएं सुलझा सकती है। अगर इसमें ये कहा गया कि अगर इसलिए जादूगर कहा गया अगर कि अगर स्त्रियों को हम शिक्षा दें तो अपनी समस्याओं को सुलझा सकती है, उनको इस उनकी स्थिति में छोड़ सकते हैं और वो अपनी समस्या खुद ही अपने ढंग से सुलझा सकती है। तो यहाँ पे क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स हैं हम अपने एजुकेशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, तो इसमें ये बात करी गई है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कि गद्यांश के अनुसार स्त्रियों में इतनी सामर्थ्य है कि वो अपनी समस्याएं स्वयं सुलझा सकती हैं, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्त्रियां स्वयं अपने सुधार का दायित्व वहन कर सकती हैं, यह कथन पूर्णतः सटीक है, इसमें कोई बात नहीं, अगर उनको शिक्षा दी जाए तो अपना खुद ही जो भी उनकी समस्याएं हैं वो अपने दायित्व का निर्वहन भी कर सकती हैं, वहन भी कर सकती हैं, और जो भी समस्याएं हैं उसको सुलझा सकती हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है शिक्षा से बनने वाला विशेषण शब्द है, देखिए शिक्षा से बढ़ने वाला शिक्षित, हम कहते हैं ना वो बहुत शिक्षित है, तो ये विशेषता बता रहा है जो कि गुणवाचक होता है ना, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, तत्सम शब्द का उदाहरण है, तत्सम शब्द क्या होते हैं, जो संस्कृत के शब्द होते हैं हम ज्यों के त्यों उसका प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे देखिए अगर देखा जाए तो पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, खीर, खीर खीर तो नहीं है, गोबर भी नहीं है, ये काम भी नहीं है, तो ये सारे तद्भव शब्द होते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो खग भी होता है, द्विज भी होता है और विहंगम भी होता है, लेकिन उदक नहीं होता, ठीक है, उदक नहीं होता इसमें। अब ये द्विज वाले में बहुत प्रॉब्लम हुई है, अभी एक जगह आपको दिखेगा कि द्विज को पक्षी का जो आंसर किया है उसमें कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं, तो वो इसलिए क्योंकि अब रिवाइज आंसर की आएगी तो उसमें हो सकता है कि करेक्शन हो जाए, तो खग इसमें जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, समूह से भिन्न शब्द आपको बताना है, ऐसे मतलब यहाँ पे देखिए तैरना भी क्या है, क्रिया है, ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो, हंसना भी क्रिया होती है, बच्चे जो है ये बच्चे किस में आ जाएंगे, नाउन में आ जाएंगे ना, तो ये तो संज्ञा हो जाएगी, तो फोर्थ ऑप्शन अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रही हूँ, कम टाइम में ही आपको बता दूंगी, यहाँ पे देव धन इंद्र की संधि से बनने वाला शब्द होगा, तो ये गुड़ संधि होता है, आपको पता है गुड़ संधि होती है, और ये मतलब ये स्वर संधि का ही भाग है ना, आपने टाइप्स ऑफ स्वर संधि पढ़ा होगा, तो यहाँ पे देवेंद्र हो जाएगा, फर्स्ट सही हो जाएगा। ये बहुत आसान प्रश्न, देखिए हिंदी के जर्नल इंग्लिश के प्रश्न बहुत आसान आए थे किसी शिफ्ट में, जो इस शिफ्ट का पेपर था 21 का, क्योंकि ये पहली बार हुआ था, और हिंदी में इसमें जो स्पेसिफिक वाला हिंदी था उसमें 2-3-4 ऐसे क्वेश्चन रिमझिम के आए थे, अदरवाइज इसमें जो पेपर था ये कम टाइम कंज्यूमिंग था, इसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगता, ये पेपर पैडागॉजी जो थी इसमें ना, इसमें पैडागॉजी एकदम फैक्ट वाले क्वेश्चन आए थे और इतने छोटे छोटे उसके ऑप्शन थे, बाकी सब क्या होता है पैडागॉजी के ऑप्शन भी बड़े क्वेश्चन भी बड़े आए थे, तो मेरे अकॉर्डिंग इसने तो नॉर्मलाइजेशन लगना नहीं चाहिए, अगर लगना भी है तो इस बेसिस पे लग सकता है कि हाँ ये पहला शिफ्ट था तो बच्चों को आइडिया नहीं था, लेकिन रिमझिम की वजह से इसमें पूरा नॉर्मलाइजेशन लगाना ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें पैडागॉजी देखेंगे ना, इसमें बहुत कम समय में बच्चे पैडागॉजी कर सकते हैं, क्योंकि फैक्ट वाले क्वेश्चन थे और फैक्ट वाले क्वेश्चन एक इतना छोटा छोटा तो ऑप्शन दिया हुआ है, अभी आप चेक आपको दिखाऊंगी मैं पैडागॉजी के क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन दिखाऊंगी मैं जितने भी
सब्जेक्ट है, तो आपको एक उसके अकॉर्डिंग बताना है कि कितने कितना कैसा पेपर है ये, ठीक है। नहीं तो बाकी शिफ्ट का अगर देखेंगे पेडागोजी, तो पेडागोजी बहुत बड़ी बड़ा है, मतलब ऑप्शन भी बहुत बड़ा है, क्वेश्चन भी बहुत बड़ा पूछा गया था, तो टाइम भी लगता है। अब क्वेश्चन जितना बड़ा, ऑप्शन उतना बड़ा, पढ़ने में टाइम लगता है, तो बच्चे के अदर जो सब्जेक्ट है उसमें तो वो कर नहीं पाएंगे ना, जैसे मैथ्स हो गया, रीजनिंग में कम टाइम मिलेगा, तो इसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि 21st शिफ्ट का पेपर अच्छा था। बस आपका रिमझिम के 2-3 नंबर, रिमझिम में भी क्या था, पोएम आपको तुरंत आइडिया लग जाता, क्योंकि ऑप्शन ऐसा था कि उसमें उस पोएम के बारे में कुछ था ही नहीं, तो जो फूल और कली, तितली और कली करके कुछ था, वो आपकी पोएम में ही मिल जाता, और 2-3 क्वेश्चन जो आप नहीं कर पा रहे थे, तो उससे आपका ये कम नंबर तो नहीं होना चाहिए इस पेपर में 21st वाले, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, मोहन ने सोहन को गुब्बारे दिए, यहाँ पे कौन सा अंश, कौन से रेखांकित अंश में कारक है, ये आपको बताना है। देखिए, देने, जब किसी को दान दिया जाता है तो वहाँ संप्रदान कारक होता है, लेकिन यहाँ पे अंडरलाइन किया गया सोहन को, तो राम ने सोहन को किसको दिया, तो यहाँ पे कर्म कारक भी हो सकता है, संप्रदान कारक भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन है कर्म कारक, ठीक है, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आई थिंक ये खत्म होता है यहाँ पे क्वेश्चन, आई थिंक एंड होता है, 10 क्वेश्चन ही आते हैं जनरल हिंदी में, जनरली तो 10 क्वेश्चन आप देख सकते हो कितना इजी क्वेश्चन था, 10 क्वेश्चन जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश ये सब इजी आते हैं, हिंदी भी इजी आया था KVS का, तो आप चेक कर सकते हो। वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।